गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीपक मलिक। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, उसमें हमें फंडामेंटल यूनिट एंड ड्रेव यूनिट के बारे में पढ़ा था। अब हम यूनिट को बनाने से पहले क्या उसकी कंडीशन है, क्या हमें बात ध्यान में रखनी है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनको उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो अगर कोई भी यूनिट है अपनी, वो उसका एक फिक्स टेबल साइज होना जरूरी है। इट शुड बी स्टेबल साइज। अपने पास कोई यूनिट है जिस प्रकार मास यूनिट ले लेते हैं, किलोग्राम है, तो उसका साइज क्या है? फिक्स साइज है, स्टेबल है। हम उसको एक जगह से दूसरी जगह इजिली ले जा सकते हैं। अगर वो साइज बहुत ज्यादा कर देते उसको फंडामेंटल में 100 किलोग्राम कर देते तो उसको हम इजिली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते उसको ट्रांसपोर्ट। इसलिए यूनिट का साइज क्या होना चाहिए? सुटेबल साइज होना चाहिए। एंड सेकंड क्या है? इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। एक्यूरेटली डिफाइंड यानी जो यूनिट है वो एक्यूरेट तरीके से डिफाइंड होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एरर नहीं होनी चाहिए। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो हमें ध्यान में रखना है। और थर्ड है, इट शुड बी easily accessible। वो हमें easily आसानी से मिल जानी चाहिए, कहीं भी हमें जरूरत है तो हमारे उसमें ज्यादा समय खराब नहीं, वो हमें बहुत जल्दी मिल जानी चाहिए। एंड फोर्थ है, इट शुड बी easily reproducible। अगर हम इजिली रिप्रोड्यूसेबल, अगर हमारी जिस प्रकार किलोग्राम है या कोई लेंथ की है, मीटर है, वो अगर हमारे एक बार वेस्ट हो जाए तो उसके बाद इजिली रिप्रोड्यूस किया जा सके उसको। एंड वो हमें अपने आस पड़ोस में मिल जाए, कहीं पे आस पास में, ऐसा नहीं कि एक बार अपने पास यूनिट है नहीं तो उसको दोबारा अरेंज करने में कोई मुश्किल हो, कोई दिक्कत हो। इसलिए हमें आसानी से वो मिल जानी चाहिए एंड रिप्रोड्यूस उसका इजिली होना चाहिए। एंड फिफ्थ है इसकी प्रॉपर्टी, यूनिट को वो टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आना चाहिए यूनिट के अंदर। इट डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अपनी यूनिट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम देखें, हमने लेंथ की यूनिट है एक मीटर है, उसको हमने रख दिया और बाद में देखा कि उसको एक मीटर से उसकी लेंथ चेंज हो गई, तो वो फिक्स रहनी चाहिए टाइम के साथ। तो इसकी फिफ्थ यूनिट है। सिक्स्थ है, इट डज नॉट इफेक्ट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अपने जो भी एक्सटर्नल है टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनकी वजह से कोई भी यूनिट के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इट डज नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं आना चाहिए यूनिट के अंदर या उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये अपने किसी भी यूनिट को डिफाइन करने से पहले मैं ये 5-6 बातों का ध्यान में रखनी है। उनका साइज स्टेबल है, एक्यूरेटली डिफाइंड है, इजिली एक्सेसिबल है एंड इजिली रिप्रोड्यूसिबल है। और टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई टेम्परेचर एंड प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम देखते हैं अपनी सिस्टम ऑफ यूनिट कितने तरीके से हम यूनिट हमारे पास यूनिट को डिफाइन किया गया है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट? सिस्टम ऑफ यूनिट क्या अपने पास? इट इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी। जो भी अपने पास फंडामेंटल या कोई ड्राइव क्वांटिटी है उसको हम इजिली यूनिट में कन्वर्ट कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें इन टर्म ऑफ यूनिट। तो अपने पास चार टाइप की सिस्टम ऑफ यूनिट है,
फर्स्ट अप्रॉप एफ पी एस में क्या है, फुट पाउंड, एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। तो फुट किसकी यूनिट है अपनी, लेंथ की, पाउंड मास की, सेकंड टाइम की, और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट अपने पास सी जी एस में अपने पास है सी से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसकी यूनिट है लेंथ की, जी से ग्राम, ग्राम किसकी यूनिट है मास की, एंड एस से सेकेंड टाइम की, और थर्ड है अपना एमकेएस। एम से क्या हुआ मीटर, मीटर किसकी यूनिट है लेंथ की, के से किलोग्राम, मास की यूनिट है, एंड एस से सेकेंड टाइम की यूनिट है। तो इस प्रकार से ये हमें याद रखनी है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अगर हम किसी भी सिस्टम को एक यूनिट में लेके चलते हैं, कोई भी मेरे पास एग्जांपल है कुछ सोल्व कर लिए हैं हम, अगर हमने उसमें लेंथ को फुट में यूज किया और मास को पाउंड में एंड पैंड को सेकंड में, तो कंप्लीट कहीं पे दूसरी जगह पे अगर लेंथ हमारे पास यूज में आएगी तो हमें उसको फुट में ही लेना पड़ेगा, मास को हमें पाउंड में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम एक सिस्टम कहीं पे एक सिस्टम को यूज करें दूसरी जगह उसको, कंप्लीट एक सिस्टम में ही लेके चलनी है हमें, अपना कोई भी इन्वायरी कराएगा। अब फोर्थ अपने पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको SI शॉर्ट नाम से डिनोट किया जाता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, इट इज दैट सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एक्सेप्टेबल बाय इंटरनेशनल लेवल पर अपने पास जो सिस्टम को यूज किया जाता है अपने पास जिस यूनिट को, तो SI है। SI में अपने पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट सेवन, तो अपने पास फंडामेंटल यूनिट है, सेवन फंडामेंटल यूनिट एंड टू सप्लीमेंट्री यूनिट, तो अब हम सेवन फंडामेंटल एंड टू सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी यूनिट अपनी फंडामेंटल है एंड कौन सी दो यूनिट अपनी सप्लीमेंट्री है। तो पहले हम फंडामेंटल यूनिट के बारे में लिखते हैं एंड उसकी नोटेशन के बारे में लिखते हैं। सेवन टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट है, सीरियल नंबर वन, फर्स्ट यूनिट कौन सी है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट एंड सिंबल। हम एक फंडामेंटल यूनिट की टेबल बना रहे हैं, सात टाइप है। तो सबसे पहले मास, मास को किस में मेजर करते हैं हम, यूनिट कौन सी है फंडामेंटल, किलोग्राम, एंड उसका सिंबल क्या है किलोग्राम का,
केजी से हम उसको नोट करते हैं एंड सेकंड एवरी लेंथ, लेंथ को लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या है, किसमें मेजर करते हैं लेंथ को, मीटर, एंड मीटर को कैसे डिनोट करते हैं सिंबल एम से, एंड थर्ड है अपना मास एंड टाइम, टाइम को हम किसमें मेजर करते हैं या उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेकंड, और सेकंड का सिंबल एस, फोर्थ अपना टेम्परेचर, टीसी टाइम टीसी टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, फंडामेंटल यूनिट क्या है, केल्विन, केल्विन को का सिंबल के, कैपिटल के, फिफ्थ है अपना इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर, एम्पियर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, सिंबल क्या होगा एम्पियर का, कैपिटल ए, सिक्स्थ है अपना ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंडिवेज को ज्योति तीव्रता बोलते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी अपनी लाइट की कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है मात्रा, उसको हम किस में मेजर करते हैं, कैंडला, और उसको सिंबल कैंडला के लिए क्या है, सिंबल है सी डी, और लास्ट है अपना सेवंथ क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, अपना कोई भी मैटर है उसको किस में मेजर करते हैं, मोल में, उसकी यूनिट क्या होगी, मोल, एंड मोल का सिंबल एम ओ एल। तो ये अपने पास सेवन टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट है, अब अपनी दो यूनिट और बची है वो है सप्लीमेंटरी यूनिट, उनके बारे में भी जानेंगे हम बच्चे अपनी। अब क्या है, दो टाइप ऑफ सप्लीमेंटरी यूनिट, सप्लीमेंटरी यूनिट अपने कितने टाइप की है, टू टाइप, तो टू टाइप ऑफ, टू टाइप ऑफ सप्लीमेंटरी यूनिट, उनकी भी हम टेबल बना रहे हैं। क्वांटिटी सप्लीमेंट्री यूनिट एंड सिंबल, यह इसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में लिख लेते हैं, तो सीरियल नंबर वन। अपने पास टू टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट है, फर्स्ट है प्लेन एंगल, कोई भी एंगल अपना प्लेन में है तो उसको मेजर करने के लिए इस प्रकार इन दोनों वर्कर के बीच में जो एंगल है, तो ये प्लेन एंगल टू डायमेंशन वाला एंगल है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट प्लेन एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन, इसका सिंबल है आर ए डी, एंड सेकंड है अपना सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कोई भी थ्री डायमेंशन से रिलेटेड होता है, जिस प्रकार सभीर है अपना उसको ऐसे चारों तरफ से एंगल जो बन रहा है अंदर बेस, तो वो एंगल अपना क्या है, सॉलिड एंगल, तो उसको सटी रेडियन में मेजर करते हैं, उसकी सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, सटी रेडियन, एंड उसको उसका सिंबल है एस आर। तो बच्चों ये अपनी टू टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट थी, और पीछे बता दें वो सेवन टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट में सिर्फ यही सेवन टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट एंड टू टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट आती है। एंड अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम रेडियन एंड सिटी रेडियन के बारे में अलग अलग से।